कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बे के पास एक तेज रफ्तार वॉल्वो बस दो गाड़ियों पर जाकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक जिस दौरान ये हादसा हुआ उस समय पुलिस और वाहन चालक हादसे का शिकार हुए ट्रॉले और कार में सवार लोगों की मदद कर रहे थे। इस दौरान जब पुलिस ने तेज रफ्तार बस को सामने से आते देखा तो रुकने का इशारा किया। बस चालक ने बस की जैसे ही ब्रेक लगाई बस अनियंत्रित हो गई और साइड में खड़ी पुलिस की गाड़ी और उसके साथ खड़ी दूसरी गाड़ी पर पलट गई। आप इन गाड़ियों की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बस की रफ्तार क्या रही होगी। एक्चुअली ये था सर कि हम खड़े एक्सीडेंट हुआ था थोड़ी देर पहले हमारे आगे आगे एक, तो हमने हेल्प के लिए हमारी गाड़ी लगाई यहाँ पे साइड में और उनकी हेल्प के लिए उनको निकाला गाड़ी से, और उतने में ये बस आ रही थी स्पीड में, पुलिस वालों ने कोऑपरेट किया, उसके साथ हाथ उठ हिलाए, उसको बार बार वार्निंग दे रहे थे। बस लगभग 100-120 के पास थी, ब्रेक उसके लगे नहीं और उसने डायरेक्ट वहाँ से मारना स्टार्ट किया और डायरेक्ट पुलिस वालों की गाड़ी थी हमारे आगे, पहले वो ख़त्म हुई फिर उसके साथ हमारी ले गया। हम तो कॉर्पोरेट कर रहे थे, अब हो गया सो हो गया, अब क्या बोल सकते हैं, तो कंपनी क्लेम करेगी, इंश्योरेंस है। चोट वगैरह लगी आप लोगों की? नहीं, हमारे चोट नहीं लगी, बस में थे उनके साइड लगी है। हम एक्चुअली गाड़ी को निकाल रहे थे हम दूसरी साइड से पैसेंजर को, फिर हमने कॉर्पोरेट किया उनके साथ भी। कहाँ से आप लोग? मैं एक्चुअली हिसार से हूँ, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ। बस के नीचे दबने से पुलिस की बोलेरो और एक दूसरी गाड़ी चकनाचूर हो गई। पूरा मामला नोकजा पीर के पास नेशनल हाईवे का है, जहां लोग हादसे के बाद लोगों की मदद में जुटे थे। पुलिस ने मौके पर जाकर बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला। इस दौरान बस चालक भागने में कामयाब हो गया। सुबह सुबह एक मतलब ट्रक का पलटा हुआ था जिसमें कार टकरा गई और उसको ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए मुलाजम खड़े थे, वो हमारी बलैरो भी खड़ी थी, और उसी दौरान पीछे अम्बाड़ा की तरफ से एक वोल्वो बस प्राइवेट बड़ी तेज सी गति से आई, वो अनबैलेंस होने के कारण वो हमारी बलैरो गाड़ी पे और एक प्राइवेट कार पे पलट गई है और मुलाजमों का बचाव हो गया, मुलाजम साइड में खड़े थे। वोल्वो का चालक अभी मतलब निकल के कहीं दाएं बाएं हो गया है और सवारियों को निकाल दिया है। गनीमत ये रही कि जिन वाहनों पर ये नियंत्रित वोल्वो बस पलटी उन वाहनों में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा कई जाने जा सकती थी। क्रेन की मदद से इस पलटी बस को खड़ा किया गया। बस में सवार कई यात्रियों को चोटें लगने से स्थिति में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहरहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।